हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे ना। तो हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने है ना, इसके पहले है ना, बायोटिक और अयोबायोटिक जो थिंग्स थे या जो मैन मेड इन्वायरमेंट था, फिजिकल इन्वायरमेंट था, इसके बारे में डिस्कस क्या है कर लिया है। आगे अब हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में क्या है पढ़ेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। तो देखिए दिया है नेचुरल इन्वायरमेंट के बगल में देखिए क्या लिखा है, एक एलिमेंट्स बना हुआ है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर चार अलग अलग है ना, आपको डायग्राम्स है ना दिख रहे होंगे सभी को है ना, अपने है ना स्क्रीन के ऊपर है ना दिख रहा है। तो इसमें आप देखिए है ना, ठीक है, ये जो चार चीज़ें आपको दिख रही है, पहला हाइड्रोस्फीयर है, फिर एटमोसफियर है, फिर लिथोस्फियर है, और बीच में इन सब के क्या है, बायोस्फियर है ना। तो यहाँ पर है ना आप देख रहे होंगे कि तीन चीज़ों से मिल करके एक अंदर का चीज़ बना है। तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल या पानी, एटमॉस्फेयर मतलब हमारा वातावरण, और स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर है। तो इन तीनों को मिलाएंगे जब हम, तो एक चीज़ क्या बनता है वो है बायोस्फीयर। और क्या होता है इसके बारे में आगे है ना हम इसमें डिस्कस क्या है करेंगे, डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या लिखा है, इन्वायरमेंट कंपेयर्स फोर मेजर स्फीयर्स और रिक्लेम्स, नेमली लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है ये चार चीज़ों से मिलकर के क्या है बना हुआ है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर से, है ना, है ना। आगे द वर्ड लिथो इज द ग्रीक वर्ड मीनिंग रॉक। तो जो लिथो शब्द है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, रॉक होता है, पत्थर होता है। द लिथोस्फीयर इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसका जो आउटर लेयर है, बाहरी जो आवरण है, वो क्या लिथोस्फीयर से बना हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द लैंड मासेस एंड ओशियन बेड्स, है ना। और जितने भी भूभाग या लैंड मासेस का एरिया है, जो ओशियन का एरिया है, वो इसमें आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, है ना। तो ये किससे, पत्थरों से और सॉइल से क्या है बना हुआ है। आगे देखिए इसमें देखिए लिखा, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स ब्रैकेट में अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। तो अलग अलग मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से जो रॉक्स है वो क्या डेवलप क्या हुआ है, साथ में सॉइल्स भी, है ना। आगे द अर्थ इज मेड अप थ्री मेन लेयर्स। तो जो अर्थ है हमारा, जो हमारी पृथ्वी, वो तीन मेन लेयर से क्या है बना हुआ है। सबसे पहला दिया है देखिए द क्रस्ट, इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, दिस इज थिकेस्ट अंडर द कॉन्टिनेंट्स अबाउट 35 किलोमीटर एंड थिकेस्ट अंडर द ओशन अबाउट 5 किलोमीटर। तो जो हमारा अर्थ है इसमें सबसे पहला भाग है उसका क्या है ना, क्रस्ट है ना, ठीक है। तो क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है हमारे अर्थ का, और इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, 35 किलोमीटर अंदर तक ये होता है, और ओशियन से यदि हम इसको काउंट करेंगे तो 5 किलोमीटर। फिर दूसरा आता है मेंटल, मेंटल क्या होता है, इट इज लाइज इमीजिएटली बिलो द क्रस्ट, दिस इज द लेयर ऑफ मीडियम डेंसिटी मटेरियल। मेंटल क्या होता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। और थर्ड है द कोर, इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ के सबसे अंदर का पार्ट क्या होता है, कोर क्या है होता है। द आउटर कोर इज मेड इंटायरली ऑफ मोल्टेन मेटल एंड इनर कोर इज सॉलिड बॉल ऑफ आयरन एंड निकल। तो क्या बोल रहा है कि जो कोर है ये भी, इसको भी यदि हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, आउटर और इनर में, जो आउटर कोर है ये किससे बनता है, मोल्टेन मेटल, है ना। तो ये जो गर्म लावा है ना, ठीक है, उससे क्या है बनता है, और इनर जो कोर है वो किससे बनता है, सॉलिड बॉल ऑफ आयरन एंड निकल। तो आयरन और निकल से क्या होता है, ये क्या होता है, डेवलप क्या है होता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपका होता है ना, ठीक है। सबसे पहले क्रस्ट होगा, क्रस्ट के अंदर आपका क्या होगा, मेंटल होगा, और मेटल के अंदर क्या होगा, आपका कोर होगा, है ना। तो ये तीन है ना, ठीक है, अलग अलग है, इसको क्या बोल देंगे, क्रस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका मेंटल, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कोर, है ना। ये तीन है ना पार्ट से क्या ये मिल करके बना हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बता रहा है, अ थिन ब्लैकेट ऑफ एयर सराउंडेड द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड्स इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, है ना, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक पतली चादर है ना, या हवा की एक पतली चादर जो अर्थ को चारों ओर से क्या हुए है, घेरे हुए है, वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। द अर्थ्स ग्रेविटी हेल्प टू रिटेन इट्स एटमॉस्फेयर, और अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण यहाँ पर एटमॉस्फेयर रहता है। द एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एटमॉस्फेयर क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग जो गैसेस होती हैं इनके मिक्सचर से मिलकर के इसको क्या किया जाता है, बनाया
जाता है, कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्योर एंड डस्ट पार्टिकल्स, है ना। तो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, वाटर वेप्योर, जल की बूंदे, डस्ट पार्टिकल, है ना, इन सब से मिलकर के बना है। द प्रेजेंस ऑफ दिस कंपोनेंट्स इन द एटमॉस्फेयर मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो तत्व पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये हमारे अर्थ को क्या करते हैं, एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं, एक सभी से अलग प्लैनेट क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। अगर ये ऑक्सीजन गिव्स लाइफ एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, तो इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन गैस है, वो क्या करता है ना, ठीक है, लाइफ देता है, या इसकी सहायता से हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव जंतु हैं, वो क्या होते हैं, अर्थ में क्या होते हैं, रहते हैं, और इसी की सहायता से वो ग्रोथ क्या है, करते हैं। प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड इनहेल ऑक्सीजन। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस इन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस द अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण क्या है, करते हैं एयर से, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिस्चार्ज क्या है, करते हैं, ना। इसके आगे दिया है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन द अल्ट्रावायलेट रेज। और जो एक गैस मिलती है ओजोन, है ना, ठीक है, गैस है ना, या ओजोन जो लेयर होता है, तो जो एटमॉस्फेयर से आने वाली हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो रेडिएशन है, उससे अभी हमको क्या करता है, बचाने का काम क्या है, करता है। तो एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के किनारे किनारे ना ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, पूरा बना हुआ है ना। तो जो एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं, इसको ये क्या करता है, और रोकने का काम क्या है, करता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा है ना एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। नाइट्रोजन गिव्स न्यूट्रिशन टू प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। नाइट्रोजन से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं या जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको न्यूट्रिशस या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो डस्ट है ना, धूल के कण हैं, या वाटर के हैं बूंदे हैं, पानी की बूंदे हैं, वो भी हमको एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टू फॉर्म क्लाउड्स दैट गिव अस रेन। और वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये क्लाउड्स की सहायता से है ना क्या कराते हैं, पानी गिराने का भी काम क्या है, करते हैं। अगर ये हाइड्रोस्फीयर, द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर है। द हाइड्रोस्फीयर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो क्या करता है, हाइड्रोस्फीयर क्या करता है, कवर करके रखता है। तो 3/4 मतलब 3/4, है ना। तो जो 3/4 है ना पूरे अर्थ का, वो क्या है ना, हमारे यहाँ पानी है। तो लिथोस्फीयर कितना है, 1/4। तो जो स्थल मंडल है वो 1/4 है, और जो वाटर है वो कितना है, 3/4 है ना। तो ये बता रहा है, कवर्स नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द वाटर बॉडीज फाउंड इन द अर्थ। और इसमें सभी तरीके के है ना वाटर बॉडीज क्या हैं, शामिल हैं अर्थ, नेमली ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड, वेल एक्सेट्रा, है ना, जिसमें ओशियन हो गया, रिवर हो गया, लेक, पॉन्ड, ये सब आते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या जो जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी एसेंशियल है। प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड एंड ग्रो। पौधों को पानी चाहिए जिससे वो खाना बनाए और बढ़ सके। वाटर इज यूटिलाइज बाई मैन इन वेरियस फॉर्म। मनुष्य भी इसका अलग अलग तरीके से यूज करता है। मैन कंज्यूम वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग, है ना। तो मनुष्य क्या करता है, पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, कुकिंग के लिए, इन सब के लिए यूज करता है। द सी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सी फूड लाइक फिशेस, स्क्रम्स, लॉबस्टर्स एक्सेट्रा, है ना। जो सी होता है, ये सी फूड का बहुत अच्छा सोर्स होता है। यहाँ पर आपको मछली, झींगे, ये सब क्या देखने को मिलेंगे। द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम एवलुवेट एरिया इन हार्नेस ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ऐसे एरिया है ना जहाँ पर एलिवेशन हाई है, या जहाँ पर क्या है ऊंचे एरिया होते हैं, वहाँ पर है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम पानी का यूज़ क्या है, करते हैं। और इस तरीके का जो इलेक्ट्रिसिटी है ना जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो पानी की सहायता से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, जनरेट करें, बनाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, बोलते हैं। आगे दिया, देखिए, डिड यू नो द अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट, है ना। तो जो हमारा अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, इसका 3/4 जो पार्ट है वो क्या है, पानी से
घिरा हुआ है ना। चलिए आगे देखिए, दिया बायोस्फीयर है ना, तो बायोस्फीयर को अब हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।